चुने गांव की सरकार बिहार पंचायत चुनाव समाचार में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले बाढ़ ग्रस्त इलाकों में अंतिम चरण में वोट होगा। शहरी क्षेत्र में नहीं लागू होगी चुनाव आचार संहिता। जहां पंचायत चुनाव होगा वहीं आचार संहिता लागू होगी, और आचार संहिता अब लागू हो गई है। जहां बाढ़ है अभी वहां लास्ट में चुनाव होगा। पहला चरण में 10 जिला हैं, 12 प्रखंड हैं। 24 सितंबर को पहला चरण। दूसरा चरण में 34 जिला, 48 प्रखंड। 29 सितंबर को दूसरा चरण है। तीसरा चरण 8 अक्टूबर को है 35 जिला में। चौथा चरण 20 अक्टूबर को है 36 जिला में। पांचवा चरण 24 अक्टूबर को है 38 जिला में। छठा चरण 3 नवंबर को है 37 जिला में। सातवां चरण 15 नवंबर को है 37 जिला में। आठवां चरण 24 नवंबर को 36 जिला में। नौवां चरण 29 नवंबर को 35 जिला में। दसवां चरण 8 दिसंबर को 34 जिला में। और 11वां चरण 12 दिसंबर को 20 जिलों में है। और इस बार पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल हो रहा है। 4 पदों, मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य के लिए मतदान ईवीएम से कराया जाएगा। और ग्राम कचहरी के 2 पद, सरपंच व पंच के लिए मतदान बैलेट पेपर के माध्यम से होगा। बेतिया प्रखंड के सभी पंचायतें नगर पालिका क्षेत्र में शामिल होने से पंचायत चुनाव सिर्फ 533 प्रखंड में होगा। पंचायत चुनाव सिर्फ 533 में प्रखंड होगा। कैमूर जिले में पहले चरण से चुनाव होगा। भोजपुर के पीरों में दूसरा चरण, रोहतास के दावत प्रखंड में पहले चरण में, नालंदा में पहले चरण में नहीं होगा, गया के बेलागंज और खिजसराय में पहले चरण में, नवादा के गोविंदपुर में पहले चरण में, जहानाबाद के काको में पहले चरण में, अरवल में पहले चरण में, सारण में पहले चरण में चुनाव नहीं होगा। इस प्रकार से पूरी डिटेल दी गई है। पटना में 10 चरण में होगा पंचायत चुनाव। और आंकड़े इस प्रकार हैं। कुल ग्राम पंचायत 8072 हैं। बूथ की संख्या 113891 है। पुरुष वोटर है 3,35,80,487। महिला वोटर हैं 3,03,11,779। अन्य वोटर हैं 2,471। तो इस प्रकार से है। और 11 चरण में पंचायत चुनाव कराए जाने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। और इसका रिजल्ट जो है 3 दिन के बाद दिया जाएगा। 24 सितंबर को मतदान और तीसरे दिन गिनती होगी। इस प्रकार से है। और पटना में 10 चरण में होने जा रहा है। आप देख सकते हैं पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंचायत चुनाव कार्यक्रम का ऐलान करते राज्य निर्वाचन आयुक्त दीपक प्रसाद व अन्य लोग हैं। पूरा इस प्रकार से डाटा है। आप सभी अपनी तैयारी करें और पंचायत चुनाव के लिए जीत दर्ज कराएं। वार्ड सदस्य हैं आपके 11,33,007। पंच हैं 11,33,007। पंचायत समिति सदस्य हैं 11,104। जिला परिषद सदस्य 1160। और इस प्रकार से पूरे पंचायत चुनाव की बुलेटिन है।